हमारे मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और दूर दूर से आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी सलाम है। जय वीर, जय मंडल, जय संविधान है। मंत्री जी को अभी कहीं और भी सवाल करना है, इसलिए जो हमें आगे हुआ किसी से लड़ाई मत करना, किसी को गुस्सा मत आना। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करेंगे आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं और इसलिए झगड़ा कर सकते हैं, रिपोर्ट लिखा दे और रिपोर्ट में शरत लिखा सकते हैं। इसलिए अगर ये कुछ उल्टा सीधा भी बोले, गाली गलौज भी करें तो बोलना नहीं है, चुपचाप हाथ जोड़ लेना। तुम जनता के बीच जाना, जनता से वोट मांगना और पूरे प्रदेश और देश की जनता इंडिया गठबंधन को अपने को वोट देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। इसलिए आप सब लोग मिलकर के आज के बाद यही माहौल बना देना और आपने जैसे ही माहौल बनाया डॉक्टर नवल किशोर फतेहाबाद से बहुत भारी मतों से की। यही हमारी अपील है, यही हमारा निवेदन है। अब 7 तारीख के बाद यहाँ पर आएंगे, हर क्षेत्र में जाएंगे, घूमेंगे, देखिए धर्मेंद्र कश्यप प्रदेश अध्यक्ष, जंगली लाल कश्यप प्रदेश अध्यक्ष, मान अच्छे दिल किसानों की आय हम दोगुनी करते हैं। पंद्रह पंद्रह लाख रुपया कृषि के खाते में डाला, बताइए किसी के भी खाते में 15 रुपए भी नहीं आए। और इन्होंने क्या किया, किसानों की आय नहीं बढ़ा पाए, किसानों की आय को कम किया। इन्होंने दावा किया था कि हम नौजवानों को जो पढ़े लिखे लड़के हैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं किसी के परिवार में मैंने 10 सालों में हमने नौकरी दी, किसी को नौकरी भी नहीं दी। और आपने अभी देखा है उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया ने क्या वादा किया, कहा था कि हम हर साल नौजवानों के लिए पढ़े लिखे लड़के हैं बेरोजगार थे उनको नौकरी दें, कहा था। और हर साल हम भर्ती भी करें, भर्ती की जगह जरूर मिले, फार्म जरूर भरवाया गया, 2-2 हजार रुपया जमा भी कराया और जितनी भी परीक्षाएं हुई और लड़के परीक्षा दे करके घर पर नहीं आ पाए और पर्चा भी कितनी बार आठ बार पर्चा लीक हो गया और आज तक उन्हें पर्चा लीक कराने वालों के खिलाफ कोई ये बहुत किडनी के भी हैं और किडनी के और अच्छा इलाज भी करते हैं और जब तक पैसे नहीं होते हैं उनका फ्री भी इलाज करते हैं। या नीचे करो मोबाइल अपना। भारतीय जनता पार्टी के सेवादार पार्टी और इधर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया। इन्होंने नारे तो बहुत अच्छे अच्छे दिए और नारों में देश प्रदेश की जनता आ गई, काम कुछ भी नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने
और प्रदेश पार्टी जितने भी नारे दिए थे और देश प्रदेश के विकास के लिए थे, हम पूछना चाहते हैं सरकारों ने साथ साथ में बताओ कहीं पर भी कोई काम किया, विकास का भी काम नहीं किया। और इन्होंने नारे तो बहुत लगाए थे, याद है। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को आज ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो को शेयर जरूर करें।